गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मुरलीधर है, मैं इरा फाउंडेशन का सीईओ हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुमार, ये 30 साल से एजुकेशन में हैं और फ़िलहाल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं कॉमेट के। हम इरा फाउंडेशन से आए हैं जो दो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एक है कॉमेट के और दूसरा है यूनिगेज। कॉमेट के एग्ज़ाम जो है वो कर्नाटका के 190 कॉलेज के एडमिशन के लिए है और 190 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में है और ये एडमिशन का एग्ज़ाम 13 मई को होता है। और यूनिगेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडिया के 25 से 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का प्लेटफॉर्म है जिससे वो बच्चे चुनते हैं और वो वहाँ दाखिला ले सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन मई 13 को होगा और इसका एडमिशन प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस 16 जनवरी से शुरू हो गया है और ये 19 अप्रैल तक खुला रहेगा। हम ये एग्ज़ाम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे अक्रॉस द कंट्री अपने घर के पास ही ये एग्ज़ाम दे सकें। पहले क्या होता था, ये अगर दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते तो दिल्ली जाके एंट्रेंस देते थे, कभी कर्नाटका में चाहिए तो कर्नाटका जाते थे या कलकत्ता, तो ये 10-15 एग्ज़ाम देने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो हमारा ये कोशिश है कि 190 कॉलेज, 25-30 यूनिवर्सिटी एक साथ मिलके एक ही एग्ज़ाम के द्वारा बच्चे अपने घर के पास ये एग्ज़ाम दे के ये सब जगह में एडमिशन ले सकें। ये एग्ज़ाम 13 मई को जो है हम लोग 140 शहर 350 टेस्ट सेंटर में करते हैं और इससे हम बच्चों को ये देते हैं कि वो एक एग्ज़ाम दे के इतने सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। कौन से स्ट्रीम्स होते हैं जिसके लिए वैलिड हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, और क्या क्राइटेरिया रहेगा? अच्छा, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया सिर्फ ये है, ये दे हैव टू बी क्लास 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया एंड इन द साइंस स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसको छोड़ के और कोई और क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 40 मेडिकल डेंटल नहीं कर सकता है क्योंकि कानून की तरफ से नीट विल बी द ओनली एग्ज़ाम। ये इंजीनियरिंग का द स्टैट्यूटरी एजेंसी इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, उनकी रेगुलेशन की तरफ से PUC में 45% लेना है अगर जनरल मेरिट स्टूडेंट है तो, जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है तो 40%, दिस इज द मिनिमम। सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू टेक। मेरिट जो लिस्ट बनेगी, हाँ जी, उसमें जो पास करेगा वो सब एलिजिबल हो जाएंगे या उसके हिसाब से भी मेरिट बनेगी? AICT में जो भी ये इम्तिहान लेता है उनको ग्रेड करना है, एक रैंक देना है, मगर कौन सा सीट मिलेगा वो रैंक की तरफ, टॉप सीट्स, टॉप कॉलेज, अच्छा रैंक रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी लिस्ट है आपके साइट पर? हमारा वेबसाइट में पूरी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है। कौन सी वेबसाइट है? नहीं, सब डिटेल्स आपको सर, ये वेबसाइट हमारा www.unigage.com, वहाँ मिल जाएगा सब पार्टनर यूनिवर्सिटी, और दूसरा है cometk.org, यहाँ पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन से कॉलेज में कितने ब्रांच हैं और ये सब डिटेल्स उधर मिल जाएंगे आपको। तो उसकी कोई ट्रेनिंग भी आप प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बच्चे हैं वो आपको एक स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं? ये पहली बार ये ऑनलाइन एग्जाम बच्चे लोग लेने के, ये रजिस्टर करने के बाद बच्चों को कम से कम 4 मॉक टेस्ट लेने का मौका हम बनाया। ऑनलाइन ही देंगे? ऑनलाइन में कैसे नेविगेट करना, एक आंसर नहीं मालूम है, फंसना नहीं, आगे कैसे जाना है और वापस कैसे आना है, ये सब बच्चों लोग सीखने के लिए 4 मॉक एग्ज़ाम आपने दिए हैं अपनी वेबसाइट में अरेंज किया है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं जानना चाहूँगा कि मिस्टर मुरलीधर, अगर कोई बच्चा कुछ और एडवाइस चाहे एक्सपर्ट्स की, देयर इज़ अ हेल्पलाइन नंबर, दे कैन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर एंड देयर आर ट्रेन्ड पीपल टू गाइड देम। ठीक है, तो क्या साउथ इंडिया ही एक फिजिकल कांटेक्ट रहेगा उनका या कोई नॉर्थ इंडिया में भी आपका कोई ना? फिलहाल तो हेल्पलाइन ऑल हेल्पलाइन ही है, आप कहीं से भी फोन करो हम तो उठा के आंसर कर देंगे। एंड द पीपल आर ट्रेन्ड टू आंसर इन हिंदी, इंग्लिश एंड टू एनी लैंग्वेज कंफर्टेबल। यस, we may not be able to get people to talk all 29 languages of India, but they will be helpful. They'll be helpful. जी। तो
तो अगर किसी ने कहना तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर है 0804667106 इस पे एक फ़ोन करेंगे तो हम आपको मदद कर देंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है एग्ज़ाम की? एग्ज़ाम की डेट जैसे मैं पहले बोला ये मई 13th की है, मई 13th डेट है। एप्लीकेशन 16 जनवरी से खुल गए हैं और 19th अप्रैल तक है। 19th अप्रैल लास्ट डे है, लास्ट डे है एप्लीकेशन भरने के लिए, और एग्ज़ाम मई 13th को है और स्कोर्स मिल जाएंगे 28 मई को। फीस इसकी क्या? अच्छा, फीस स्टूडेंट्स को तीन ऑप्शन मिलते हैं, सिर्फ यूनिगेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ कॉमेट के या दोनों। अगर सिर्फ यूनिगेज दें तो 1600 रुपया प्लस GST है, अगर सिर्फ कॉमेट के दें तो 1300 रुपया, ये दोनों अगर दें एक मिल के दें तो 2100 प्लस GST है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।